एक दिन एक छोटी सी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वो अपने गांव की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हो गया था जिसने उसकी जिंदगी को मुश्किलात में डाल दिया। सिंड्रेला की माँ बढ़ती हुई बीमार हो गई थी और उन्होंने उससे एक वादा कर लिया कि वो हमेशा खूबसूरत, मेहरबान और शरीफ रहेगी। एक दिन उनकी माँ ने दुनिया को अलविदा के दिया और सिंड्रेला की जिंदगी बदल गई। सिंड्रेला की जिंदगी में एक नए दिन की शुरुआत हुई, लेकिन अच्छी तरतीब से नहीं। इसकी घड़ी हमेशा घड़ियों से कुछ देर पहले ही रख गई और वो अपनी काम का ख्याल रखने में मसरूफ हो गई। एक दिन गांव में एक बड़ा राजा अपने बेटे की शादी के लिए ऐलान करता है। सिंड्रेला भी इस खबर को सुनकर खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही तब्दील हो गई जब वो अपनी खूनख्वारों के बाद शादी की तैयारियों में शामिल नहीं हो सकती थी। एक दिन जब सिंड्रेला अपने दिखी दिल से गांव के किनारे बस्तर पर बैठी थी, अचानक एक प्यारी छुचच्छो ने आकर इससे बातचीत करना शुरू किया। हेलो मेरी प्यारी दोस्त, मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिखी हो, लेकिन मैं हूं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए, छुचच्छोने ने मुस्कुराकर कहा। सिंड्रेला ने अचानक अच्छा महसूस किया और उसने अपने दुख को छोड़कर छुचच्छोने के साथ खुशियों का सफर शुरू किया। छुचच्छोने का नाम बब्बलीज था और वो एक जादुई छुचच्छा था। बब्बल्स ने सिंड्रेला को एक खास चमकीले पहुंचाया जिसने उसको राजा की दोलाहा बना दिया। सिंड्रेला ने अचानक अच्छा महसूस किया और उसने अपने दुख को छोड़कर छुचच्छोने के साथ खुशियों का सफर शुरू किया। छुचच्छोने का नाम बब्बलीज था और वो एक जादुई छुचच्छा था। बब्बल्स ने सिंड्रेला को एक खास चमकीले पहुंचाया जिसने उसको राजा की दोलाहा बना दिया। सिंड्रेला ने अचानक अच्छा महसूस किया और उसने अपने दुख को छोड़कर छुचच्छोने के साथ खुशियों का सफर शुरू किया। छुचच्छोने का नाम बब्बलीज था और वो एक जादुई छुचच्छा था। बब्बल्स ने सिंड्रेला को एक खास चमकीले पहुंचाया जिसने उसको राजा की दोलाहा बना दिया। सिंड्रेला ने अपने माँ के वादे को पूरा किया और अपनी नई दुनिया में खुशियों का सफर किया। उसने गांव में शहरत हासिल की और लोग इसे प्यार से गांव की शहजादी कहने लगे। सिंड्रेला ने देखा कि हकीकत में खूबसूरती सिर्फ चेहरों में नहीं बल्कि दिलों में भी होती है और अच्छे एमाल अच्छी जिंदगी का राज है। उसने छुचच्छूने का शुक्रिया अदा किया और अपनी नई दुनिया में हर पल को खुशी से गुजारा।